नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को लद्दाख से पैंगोंग त्सो लेक तक बाइक राइडिंग की। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 2012 में कांग्रेस और 2023 में भाजपा सरकार में लद्दाख में बनी सड़कों की तुलना की। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार ने लद्दाख में सुंदर सड़कें बनवाई, राहुल गांधी इन सड़कों को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। वो कश्मीर भी गए थे, उन्होंने दिखाया कि कश्मीर घाटी में पर्यटन कैसे फल फूल रहा है। सबको याद दिलाया कि श्रीनगर के लाल चौक पर शांतिपूर्वक तिरंगा फहराया जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने रिज्जू के दावों को गलत बताया। लोगों ने कहा कि लद्दाख की सड़कें कांग्रेस सरकार में बनी हुई थी। ट्विटर यूजर्स ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की 2012 में रिलीज फिल्म जब तक है जान के एक सीन की तस्वीर पोस्ट की। इसमें सेना के कपड़ों में शाहरुख बुलेट पर राइड करते दिख रहे हैं। इसके बाद रिज्जू ने एक और पोस्ट कर सफाई पेश की। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने सबूत देखकर बताया कि 2012 में भी सड़कें मौजूद थी, जैसा कि शाहरुख की तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि सिंधु नदी के किनारे की सड़कें उबड़ खाबड़ थी, किनारे से सड़कें बराबर भी नहीं थी, ऊंचे दर्रों की सड़कों को तो भूल ही जाइए। रविवार को राहुल गांधी ने पैंगोंग त्सो लेक के किनारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में चीनी घुसपैठ का दावा किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक इंच भी जमीन नहीं गई। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि लद्दाख में घुसकर चीन ने उनकी जमीन छीन ली। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।